खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय संगठन मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ की है। यूपी दौरे पर आए बीएल संतोष ने सीएम के नेतृत्व को सराहा है। बीजेपी संगठन को लेकर बातचीत करेंगे, मंथन में रस क्या? केंद्रीय संगठन मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ की। यूपी के दौरे पर आए बीएल संतोष ने सीएम के नेतृत्व की सराहना की है। दिल्ली पहुंचते ही सीएम के नाम के पढ़े कसीदे। और अपने पेज पर ट्वीट कर ये सराहना की है केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने। सीएम योगी का मैनेजमेंट बेहद अच्छा, 20 करोड़ से अधिक आबादी वाले प्रदेश के सीएम को कुशल नेतृत्व से संभाला है, ये कहना है केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष का। केंद्रीय संगठन मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ की है। यूपी दौरे पर आए बीएल संतोष ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला है कि 20 करोड़ से अधिक के प्रदेश को कुशल नेतृत्व के सहारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला। और बीजेपी संगठन में मंथन को लेकर, मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा। जी उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार दो दिनों से भाजपा कार्यालय में बैठक चल रही थी, बीएल संतोष केंद्रीय संगठन मंत्री ने तमाम नेताओं से अलग अलग लंबी चर्चा की है, दोनों ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य के साथ, तो उनकी बातचीत करीब 45 मिनट तक चली है, जो कि एक लंबा अंतराल माना जा सकता है। इसके साथ ही साथ जैसे ही वो दिल्ली वापस लौटे हैं, योगी आदित्यनाथ की भी काफ़ी तारीफ की है, तो क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है इस दो दिन की बैठक के बाद? देखिए, जो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर ये दो दिन जो बैठक चली है, इसमें जो केंद्रीय संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष जी थे, और कहीं ना कहीं संगठन को लेकर ये जो बैठक की गई है, जिसमें दोनों डिप्टी सीएम गए थे, मुलाकात किए थे, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य लगभग 45 मिनट के आसपास उनसे, बीएल संतोष जी से उनकी मुलाकात हुई थी और बातचीत हुई थी। तो ऐसे में तमाम उन्होंने कई कैबिनेट मंत्रियों से अलग अलग समय उनको देखकर अलग अलग वन टू वन उनसे वार्ता की थी, और ये बात समझने की कोशिश की थी कि क्या वाकई क्या कुछ सरकार के अंदर क्या कुछ सही चल रहा है और कितना कुछ मंत्रियों को सहयोग सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और साथ ही साथ कितना कुछ अब तक सहयोग कर रहे हैं मंत्रियों की, और जो सरकार और जो केंद्र द्वारा तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं जनता के लिए, वो कितना कुछ जनता में क्रियान्वयन हो पा रहा है, कितना कुछ जनता तक लाभ पहुंच रहा है। क्योंकि अब देखिए, जिस तरह से 8 महीने का समय बचा है और उसके बाद 2022 का चुनाव है, तो ये चुनाव को देखते हुए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, और आप पूरी तरह से जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनावी मूड में आ गया है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से अभी जो परिणाम आए थे पंचायत के, उसमें बहुत अच्छी चीजें नहीं निकल कर आई थी। शायद अब संगठन और संगठन का नेतृत्व भी ये चाहता है कि जो समय है उसके पहले ही हम चीज़ों को सही कर लें, और शायद यही वजह है कि संगठन और सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं उनके बीच बातचीत हुई है। लेकिन अब उसके बाद जिस तरह से राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री जो बीएल संतोष जी हैं, उन्होंने ट्वीट के माध्यम से एक नई बात कही, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि तमाम शिकायतें मिली हैं और योगी नेतृत्व को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, लेकिन अब जब उनके ट्वीट सामने आए हैं, तो एक चीज़ एकदम पूरी तरह से साफ हो गई कि जिस तरह से दो दिन की ये बैठक चली है, उसमें चाहे जो अटकलें लगाई गई हो, लेकिन अब जब उन्होंने ट्वीट किया है, तो ट्वीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उन्होंने तारीफ की और यह कहा कि जो करोड़ों की जनसंख्या वाला ये प्रदेश है, उसका नेतृत्व योगी जी के हाथों में है, और बेहतरीन तरीके से जिस तरह से ये कोरोना का संक्रमण चला है, उसमें उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है और वो काफी मेहनती हैं, और इस तरह की तारीफ हुई है। तो ये जो एक अटकलें लगाई जा रही थी लगातार दो दिन से, खबरें तमाम लोग इस चीज की अटकलें लगा रहे थे कि जो योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, उसका हो सकता है संगठन ये समीक्षा में तमाम चीजें निकल कर आई,
हालांकि सूत्र ये बताते हैं, राजनीति सलाहकार ये बताते हैं कि अंदर तमाम चीजें जो गुटबाजी है, तमाम जो परेशानियां हैं उसको लेकर भी बातचीत की गई है कि क्या कुछ वाकई संतोषजनक है कि नहीं है, कितना कुछ सरकार का जो मुख्यमंत्री है उनका मंत्रियों के प्रति कितना कुछ सहयोग हो पा रहा है, मंत्री कितना क्या कुछ विधायकों का सहयोग कर रहे हैं, और जो सबसे बड़ी बात है इस संगठन में इससे भी जोर दे के बात की गई कि आखिर मंत्री कितना सहयोग कुछ विधायक का किए हैं, कितना कुछ संगठन के लोगों का जो उचित काम है वो कितना हुआ है, क्या कुछ जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, केंद्र द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह से जनसेवा मंच के माध्यम से भी बीजेपी एक संगठन के माध्यम से पूरे हर एक कार्यकर्ता गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और सरकार द्वारा जो जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसका भी वो लोग आकलन कर रहे हैं, और जहां पर सरकार की जो योजनाएं हैं जो नहीं आम जनमानस तक पहुंच पा रहे हैं उसको भी वो लोग उसके मजबूती के साथ शासन प्रशासन का समन्वय बैठा कर आम जनमानस के लिए व्यवस्था को मूर्त रूप देने की बात कही गई है। तो ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक थी, ये बैठक ये बिल्कुल साफ तौर से ये कहा जा सकता है कि जो 2022 का चुनाव है उसके लिहाज से ये बैठक थी, और उस बैठक में कहीं ना कहीं जो अंदर तहखाने की बात कैसे कोई कुछ कह पाए, लेकिन एक बात एकदम साफ हो गई, जो अटकलें लगाई जा रही थी उस पर विराम लगा है। जो ट्वीट है इनका जो बी एल संतोष जी हैं उनके ट्वीट के बाद जो है ये चीजें एकदम साफ हो गई कि जो शीर्ष नेतृत्व यानी योगी जी का जो नेतृत्व काम कर रहा है, योगी जी काम कर रहे हैं वो सराहनीय है, लेकिन ये भी सूत्र बताते हैं कहीं कहीं नाराजगी की बात रखी गई है, लेकिन अब ये सब सारी चीजें आने वाला वक्त बताएगा क्या कुछ वाकई अंदर तहखाने की नाराजगी भी थी जिसको किसी ना किसी को खामियाजा हो सकता उठाना पड़े। जी बिल्कुल ठीक कहना है आपका, लेकिन जिस तरह से उमेश जी ट्वीट में योगी जी के नेतृत्व की तो यहाँ पर तारीफ की गई है, लेकिन योगी जी के साथ ही उनकी टीम को लेकर यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस ट्वीट के बाद योगी जी के नेतृत्व की तो तारीफ और सराहना हो चुकी है, लेकिन टीम को लेकर, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर और साथ ही साथ डिप्टी सीएम के पद को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे, उन कयासों की अटकलों की बाजार अभी भी गर्म है? जैसा कि मैं अभी आपको बताया कि हो सकता है कि अंदर तहखाने की जो नाराजगी रही हो, जो पार्टी के जो संगठन जो पदाधिकारी हैं जो बातें सामने आई हो उसको हो सकता है कि गोपनीय सूचना बनाकर, गोपनीय पत्र बनाकर उसको शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व को दिया जा चुका हो, और चुपचाप ये बीजेपी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और उसमें निर्णय भी बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं, हो सकता है कि अब, लेकिन इसकी भी अटकलें लगाई जा रही है कि जो संगठन के जो संतोष जी आए थे केंद्रीय महामंत्री हैं उनका आना, उसके बाद उनका उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर जो ट्वीट कर दिया, ट्वीट करने से एक चीजें एकदम बिल्कुल साफ हो गई कि सब कुछ योगी के नेतृत्व में जो वो है या योगी जी का जो जो कह लीजिए कार्य है वो जो संगठन जो पदाधिकारी है उनकी नजर में बहुत अच्छा है। शायद यही वजह है कि आप देखिए जो ट्वीट हुआ है, ट्वीट से उन तमाम अटकलों पर विराम लगाया गया है जो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये जो बैठक चल रही, इस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं और अलग अलग मंत्रियों से, हालांकि संगठन के जो ये महामंत्री हैं आए थे बीजेपी प्रदेश कार्यालय पर, इन्होंने सबसे अलग अलग बातचीत की है, और जब वहां से आप देखिए कि जब केशव प्रसाद मौर्य भी निकले थे कल, जब वहाँ के न्यूज की टीम ने बातचीत की थी तो वहाँ यही चीजें निकल कर आई थी कि ये 2022 की तैयारी को लेकर ये बैठक है। मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, तो ये उनका कहने का मतलब ये था साफ तौर से कि ये जो बैठक है संगठन की, ये संगठन ढांचे को मजबूत करने के लिए सारी, और साथ ही साथ सरकार द्वारा जो भी और केंद्र द्वारा जो भी योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही उसको क्या कुछ कितना अमली जामा जनता में पहनाया जा रहा है इसका भी आकलन किया गया। जी, इसके अलावा उमेश जी, जिस तरह से मंथन के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के समय में परेशानियां रही हैं उसको लेकर सीरो सर्वे की भी बात कही जा रही है। माना यह जा रहा है कि सीरो सर्वे के द्वारा अब ये देखा जाएगा कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में किस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर रही है, किस तरह के केसेस रहे हैं, क्या सुधार की आवश्यकता है,
ये जो बातचीत भी निकल कर आई है बैठक में कि इस पर भी पूरी तरह से ध्यान देने का प्रयास किया जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार लगे हुए हैं कोरोना महामारी को कम करने के साथ ही तमाम व्यवस्थाओं की देखरेख में, वो लगातार आगे भी जारी है और बैठक में भी ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, क्या कुछ खास होगा इस सर्वे के बाद? देखिए, इस बैठक में ये तमाम मुद्दों को रखा गया था और इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा भी की गई कि आखिर ये जो कोरोना का जो संक्रमण जिससे हम अभी पूरी दुनिया जूझ रही है, इस दरमियान जो भी सरकार द्वारा जो भी कार्य योजना बनाकर जनता के लिए काम किया गया, उसका कितना कुछ जो जमीनी स्तर है उससे क्या कुछ लाभ मिल पा रहा है, शायद यही वजह है कि आप देखिए बीजेपी सेवा जो संगठन है उसके माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंच रही है, और अगर कहीं पे भी कोई ऐसी बात है तो उसको प्रशासन के साथ समन्वय बैठाकर अब जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के लोग हैं, जो ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसके तहत गांव-गांव बीजेपी के कार्यकर्ता और संगठन के लोग जाएंगे और कहीं कहीं जा भी रहे हैं, और जो व्यवस्थाएं हैं सरकार की उसको लेकर जनता के बीच उस उपलब्धि को रख रहे हैं, और अगर कहीं खामियां हैं उसको भी सुधारने की कोशिश की कवायद की जा रही है। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो अब ये कवायदें हो रही हैं या जो नेतृत्व है और जो संगठन के लोग हैं वाकई सब कुछ ठीक हो गया है। इसके पार्टी भी यही चाहती होगी कि जिस तरह से थोड़ी सी शिकायतों का जरूर स्थिति रही होगी, तभी यही वजह है कि तमाम चीजें हुई हैं। अब उस चीज को हालांकि कोई भी बीजेपी का नेता कहने को तैयार नहीं है मीडिया के सामने, लेकिन एक चीज है जो कल की दो दिन की बैठकों से हम लगातार देखते चले आ रहे हैं कि कहीं पे भी प्रदेश नेतृत्व की कहीं भी बहुत अच्छी बात नहीं आई है कि बहुत तारीफ की गई हो। हालांकि ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी जो कुर्सी है वो खतरे में पड़ सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक अटकलें हैं। हो सकता है कि तमाम ऐसे संगठन के लोग हैं जिनकी जवाबदेही तय थी कि जो पंचायत चुनाव है उसमें बेहतर परिणाम आए, अगर वो अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन नहीं कर पाए हैं तो कहीं कहीं संगठन और जो मंत्री हैं उनमें भी परिवर्तन होने की बात हो रही है और अटकलें लगाई जा रही, लेकिन अभी सिर्फ अटकलें हैं, कहीं से भी साफ तौर पे तस्वीरें नहीं निकल कर सामने आ पा रही हैं कि आखिर क्या कुछ इसको जिम्मेदारी संगठन की नहीं मिल सकती है, क्या किसी और तमाम नए चेहरों को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन ये माना जा रहा है कि बेहतर करने के प्रयास पार्टी द्वारा किए जा रहे हैं, और बेहतर प्रयास को करने के लिए जो भी अगर कोई नया चेहरा जो पार्टी भरोसा उनसे जता सकती है, जो अपने कामों को बाखूबी निर्वहन कर सकते हैं और वो जनता के लिए काम कर सकते हैं, पार्टी के लिए वो अच्छा साबित हो सकते हैं, तो उन चेहरों को पार्टी जगह दे सकती है, ऐसा सूत्र बताते हैं। जी बिल्कुल उमेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि भाजपा कार्यालय में लखनऊ में जिस तरह से दो दिवसीय बैठक चली है और लंबी बैठक में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है वो हमारे आज के कार्यक्रम में हम जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम बैठकों के बाद भाजपा के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव होगा इस पर नजर रखेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं मंथन में रस क्या को लेकर उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यालय लखनऊ में जिस तरह से दो दिवसीय बैठक चली है। केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने तमाम नेताओं से अलग अलग बातचीत भी की है, और बातचीत करने के बाद अब केंद्रीय संगठन मंत्री सीएम योगी की बीएल संतोष ने तारीफ की है। यूपी दौरे पर आए बीएल संतोष ने सीएम के नेतृत्व को सराहा है। दिल्ली पहुंचते ही सीएम के नाम के पढ़े कसीदे। इसके अलावा लगातार आप ये ट्वीट भी देख पा रहे हैं जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। सीएम ने प्रदेश को कुशल नेतृत्व से संभाला, साथ ही साथ
पीएम योगी का मैनेजमेंट बेहद अच्छा, ये तमाम चीजें बीएल संतोष ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि दो दिवसीय मंथन के बाद आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आने वाला है, क्या कुछ है जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा की खास तौर से संगठन में बदलाव लेकर आने वाला है, और जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे, इन तमाम कयासों के बीच में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रशंसा करके केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने इन तमाम अटकलों पर अब विराम लगा दिया है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे थे, और साथ ही साथ विपक्ष के नेता भी, पीएम योगी का मैनेजमेंट बेहद अच्छा, और ट्वीट की यदि हम बात करें तो ट्वीट की आप देख सकते हैं बीएल संतोष का लगातार ट्वीट है। और इसी के साथ हमारे साथ संवाददाता उमेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे हम कि उत्तर प्रदेश में इस बैठक के बाद क्या कुछ बदलाव हुआ है। लगातार उमेश, इस तमाम बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की तो यहाँ पर तारीफ हो चुकी है, हालांकि अभी तक कुछ भी निकलकर घोषणा नहीं की गई है। जिस तरह से तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही घोषणा की जा सकती है नए डिप्टी सीएम पद की भी, और यदि प्रदेश अध्यक्ष के पद में कुछ बदलाव होना है तो, लेकिन अभी इसके लिए शायद कुछ और लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से दो दिवसीय बैठक हुई है केंद्र मंत्रिमंडल में, खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो जगह खाली थी और जिनको लेकर माना जा रहा था कि कई नए नाम सामने आ सकते हैं, क्या सूत्रों के हवाले से आपको कोई जानकारी मिली है कि मंत्रिमंडल में कुछ नए लोगों के शामिल होने की आशंका है, कुछ नाम जो आप तक पहुँचे हों? जी उमेश, नामों पे अगर ये क्या कुछ कर पाना जल्दबाजी होगा, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन इतनी बात एकदम बिल्कुल सही है कि अगर जो भी अब पार्टी को लगेगा कि जो पार्टी के चीजों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है, अगर उसको पार्टी जिम्मेदारी देती है तो वो अपने जिम्मेदारी का बाखूबी निर्वहन करेगा। क्योंकि अब जिस तरह से जो विधानसभा के जो चुनाव है वो उसमें बहुत कम समय बचा है, और तो पार्टी ऐसे ही लोगों पर विश्वास रखेगी जो कम समय में बेहतर परिणाम दे सके। तो ये बात सही है कि और अगर अटकलें लगाई जाए तो जैसे कि जो पूर्व आईएएस हैं एके शर्मा साहब, उनकी वापसी और उसके बाद उनको एक जिम्मेदारी देना, इसी तरह से कोरोना का संक्रमण चल रहा था उनको पूर्वांचल में जिम्मेदारी दी गई, ये सब जो काम के तरीके हैं जिससे कम कम इस पे जो रिपोर्ट गई है काम को लेकर, तो कहीं कहीं शर्मा साहब की भी बहुत तारीफ हुई है। तो ऐसे में शर्मा साहब के ऊपर भी अटकलें तेज हो जाती हैं कि उनको जो अभी कम समय में ड्यूटी जो जिम्मेदारी दिया गया उसका उन्होंने बाखूबी ड्यूटी का निर्वहन किया है एक प्रकार से, और अब अगर शीर्ष नेतृत्व उसी को जिम्मेदारी देगा जिसके ऊपर वो विश्वास करता है, जिसके परिणामों को लोग देख चुके होंगे, जिसको पार्टी ये मानेगी कि ये बेहतर प्रयास कर सकते हैं, पार्टी के लिए अच्छा कर सकते हैं, तो ये सब चीजें उन्हीं लोगों पे जिम्मेदारी के तौर पर देखी जाएंगी जो अब पार्टी के लिए अच्छा काम कर पाएंगे। तो अब ये बता पाना अभी बहरहाल जल्दबाजी होगा कि इसको क्या संगठन में जगह मिलेगी या मंत्रिमंडल में, लेकिन ये बात ये बिल्कुल साफ है कि नए चेहरों को तमाम जिम्मेदारी पार्टी देने के उसमें है, ये अकेले तेज है। लेकिन अब ये बिल्कुल तमाम जो और चीजें निकल कर आई हैं ये कह कुछ पाना जल्दबाजी होगा कि ये परिवर्तन हो जाएगा, वो उनको जिम्मेदारी से हटना पड़ेगा, तो ये सारी चीज अभी सिर्फ एक अकेले है। लेकिन अब जिस तरह से संगठन की ये बैठक हुई है दो दिन, और बैठक के बाद जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री है ईएल संतोष जी का ट्वीट कि जो सीएम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ का जो नेतृत्व है, जो काम करने का तरीका है, उनके काम करने के चीजों को उन्होंने सराहा है, उनकी सराहना की है, तो ये तमाम ये भी एक जो तमाम और अटकलें लगती थी। जी 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 बिल्कुल उमेश, उमेश इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार बीजेपी में दो दिवसीय बैठक के बाद जिस तरह का मंथन हुआ है, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, सीएम के नेतृत्व का की सराहना की है केंद्रीय मंत्री बीएल संतोष ने, और लगातार
और लगातार मंथन में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है उस पर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उसके अलावा जो भी अपडेट आएगी वो आप तक हम ज़रूर पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं।